जस्टिस गवई, आप अकेले नहीं हैं। सभी जजों में कांग्रेस के ही जीन्स हैं। चंद्रचूर तो निकल लिए आपको राहुल को बचाने की जिम्मेदारी देकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहले क्या कह चुका है मानहानि के लिए, वह याद रखना। राहुल गांधी की मोदी सरनेम पर बयान के लिए सजा के खिलाफ अपील पर अभिषेक मनु सिंघवी के पूछने पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने आज सुनवाई करने के लिए कहा था। इसका मतलब था कि राहुल गांधी की अपील चंद्रचूड़ की बेंच सुनेगी, लेकिन वो उन्होंने जस्टिस बीआर गवई को सरका दी। कल को चंद्रचूड़ अगर राहुल को बरी करते तो उन पर पक्षपात का आरोप लगता, इसलिए पहले से ही हट गए। यह ऐसे ही किया जैसे केजरीवाल सोचता है कि उसके पास तो कोई मंत्रालय नहीं है, उसकी किसी मामले में कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब जस्टिस बीआर गवई जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के साथ सुनवाई करते हुए बोले कि उनके पिता कांग्रेस से जुड़े हुए थे लेकिन उसके सदस्य नहीं थे, मेरे भाई अभी कांग्रेस में है। सिंघवी जी, आप भी 40 साल से कांग्रेस से जुड़े हैं, आप लोग फैसला करें कि मुझे इस सुनवाई में शामिल करना चाहते हैं या नहीं। चलिए इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे अनुरोध है इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें, हमें अपनी राय जरूर दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आई तो हमें आप UPI नंबर 9911955719 पर सहायता राशि देकर हमें प्रोत्साहित करें। अब चलिए खबर को आगे बढ़ाते हैं। मीलॉर्ड जस्टिस गवई, कांग्रेस के जीन्स को हर जज में मिलेंगे, और ऐसे ही जीन्स की वजह से तीस्ता सीतलवाड़ की पूजा की गई, जिसे नियमित जमानत दे दी गई। तीस्ता अब क्यों पुलिस के साथ जांच में सहयोग करेगी? सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, अब तो उसके लिए जस्टिस आफताब आलम का दौर वापस आ गया है। सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी के ऐसे ही मानहानि करने वाले एक केस में पहले क्या कह चुका है, फैसला करते हुए बस वो याद रखिए जस्टिस गवई। आज से 7 साल पहले राहुल गांधी के गांधी जी की हत्या के लिए आरएसएस को दोषी बताने वाले बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर राहुल गांधी ने अपने इस बयान पर माफी नहीं मांगी तो उन पर मानहानि का मुकदमा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा था, हमारा मानना है कि तथ्य या बयान लोगों की भलाई के लिए होने चाहिए। आप किसी संगठन की सामूहिक रूप से निंदा नहीं कर सकते, आप बहुत आगे चले गए। यह मुकदमा राहुल गांधी अभी तक कोर्ट में लड़ रहा है। मोदी सरनेम मामले में भी राहुल गांधी को अपने बयान पर कोई अफसोस नहीं है। अब राहुल कह रहा है अपील में कि शिकायतकर्ता जिस संप्रदाय से आता है उसकी तो कोई मानहानि की ही नहीं गई, फिर उनकी शिकायत बेमानी है। जबकि मानहानि तो मानहानि है, वो चाहे पूरे समाज की जाए या किसी एक व्यक्ति की। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील में कहा है, यदि सजा पर रोक नहीं लगाई गई तो वह स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र बयान का गला घोट देगा और यह लोकतांत्रिक संस्थाओं को व्यवस्थित तरीके से बार बार कमजोर करने और लोकतंत्र का गला घोटने में योगदान करेगा। यह भारत के राजनीतिक माहौल और भविष्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होगा। अपराधियों और राजनीतिक विरोधियों पर व्यंगात्मक टिप्पणी को भी अपराध माना जाएगा तो इससे लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर हो जाएगी। कुल मिलाकर राहुल गांधी को केवल राहत चाहिए बिना किसी तरह का खेद प्रकट किए हुए। यदि सुप्रीम कोर्ट इसे आजाद कर देता है तो फिर किसी के लिए मीलॉर्ड समेत किसी का भी अपमान करने का मौलिक अधिकार देने वाली बात हो जाएगी। एक बात बड़ी स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी का अपमान कराने में, चाहे वह मुख्यमंत्री थे या प्रधानमंत्री है, अदालतों का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने उनके हर अपमान को सरकार की आलोचना कहकर समर्थन किया है। ये न्यायपालिका के लिए बहुत ही लज्जा की बात है। जस्टिस बीआर गवई के कोर्ट में राहुल गांधी की अपील खारिज होने की भूमिका कांग्रेस ने बना दी। राजस्थान के मंत्री को बोलने की आजादी नहीं,
फिर राहुल को गाली बकने की आजादी क्यों मिलोर? मैं आज फिर दोहरा रहा हूं जो राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील में दलील देकर ट्रायल और हाई कोर्ट का फैसले खारिज करने के लिए कहा है। राहुल गांधी ने अपील में कहा है कि यदि सजा पर रोक नहीं लगाई गई तो वह स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र बयान का गला घोट देगा और यह लोकतांत्रिक संस्थाओं को व्यवस्थित तरीके से बार बार कमजोर करने और लोकतंत्र का गला घोटने में योगदान करेगा। यह भारत के राजनीतिक माहौल और भविष्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होगा। अपराधियों और राजनीतिक विरोधियों पर व्यंगात्मक टिप्पणी को भी अपराध माना जाएगा तो इससे लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर हो जाएगी। यह सब मुझे इसलिए दोहराना पड़ा क्योंकि कल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा को बर्खास्त कर दिया। गुढ़ा का अपराध जानना जस्टिस गवई को राहुल गांधी की अपील पर फैसला करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायक हाथों में तख्तियां लिए हुए मणिपुर में महिलाओं को उपद्रवी भीड़ द्वारा निवस्त्र कर घुमाने की घटना पर विरोध प्रकट कर रहे थे। इस पर गुढ़ा ने अपनी ही सरकार को घेरते हुए सदन में कहा, इस बात में सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में विफल हो गए हैं। राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, ऐसे में हमें मणिपुर के स्थान पर अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बस इतना कहने पर अशोक गहलोत ने गुढ़ा की बलि ले ली। अब मिलोर्ड राहुल की बड़ी बड़ी दलील पर गौर कीजिए जिसमें वो बात कर रहा है कि उसे दी गई सजा स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र बयान का गला घोट देगी और यह लोकतांत्रिक संस्थाओं को व्यवस्थित तरीके से बार बार कमजोर करने और लोकतंत्र का गला घोटने में योगदान करेगी। ऐसा स्वतंत्रता का अधिकार गुढ़ा को नहीं दिया जाएगा, उसे तो पार्टी तुरंत फांसी दे देगी। यानी राहुल कत्ल करे तो भी माफ होना चाहिए और गुढ़ा यदि हां भी करे तो लटका देंगे। मिलोर्ड को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह उसी राजस्थान का मसला है जहां से राहुल गांधी का वकील अभिषेक मनु सिंघवी आता है। इतना ही नहीं, कांग्रेस तो अपने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली कांग्रेस की नेता अंकिता दत्ता को पार्टी से ही निकाल देती है। मजे की बात है, श्रीनिवास बीवी को जमानत देने वाले भी जस्टिस गवई ही थे और उन्होंने दलील दी कि घटना के 2 महीने के बाद शिकायत दर्ज की गई, जबकि सच यह था कि वह लड़की कांग्रेस के नेताओं से गुहार लगा रही थी श्रीनिवास पर कार्रवाई करने के लिए। जस्टिस गवई शिकायत दर्ज करने में 2 महीने देरी पर सवाल उठा रहा थे, लेकिन एमजे अकबर पर प्रिया रमानी का 25 साल बाद आरोप भी ठीक था क्योंकि रमानी के खिलाफ अकबर की मानहानि की याचिका खारिज कर दी गई। ऐसे और भी बहुत मसले हैं जो साबित करते हैं कि कांग्रेस में पार्टी के विरुद्ध बोलने की आज़ादी 0 है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध बोलने की आज़ादी असीमित है। कभी नारा लगाते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। एक महिला को यौन शोषण का आरोप भी लगाने की अनुमति नहीं देती कांग्रेस और राहुल चाहता है कि उसके अपराध को बोलने की आज़ादी मानकर उसे बरी कर दिया जाए। गुढ़ा के मसले ने राहुल की अपील खारिज करने की भूमिका बना दी है। अगर जस्टिस गवई को समझ आए, आपसे अनुरोध है देश हित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हमें और आगे बढ़ने में हमारी आर्थिक मदद करें। आप हमें गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से हमारी मदद कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9911955719। आप सभी से एक अनुरोध और करना चाहेंगे, यदि आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इसी चैनल की अन्य वीडियो को भी जाकर देखें और कम से कम 10 ग्रुपों में या अपने हितमित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें। और हाँ, यदि आपके पास कोई इस तरह की रिसर्च बेस्ड कोई कंटेंट है तो उसे भी हमारे नीचे दिए नंबर 9911955719 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।
हम आपके नाम को गुप्त रखेंगे और यदि आप चाहते हैं कि हम आपका नाम अपने चैनल पर ले तो उसके लिए भी आप हमें अपनी लेख के माध्यम से अपने विचार को लिखें। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।